हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल अभी अपडेट पे। फ्रेंड, आप सभी के साथ हम इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का जो आज सीबीएसई बोर्ड 2020 में क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट ने आज एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है क्लास ट्वेल्थ का। तो फिर आज इंग्लिश का एग्जामिनेशन था, उसका आज कंप्लीट सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल अभी अपडेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड, ये वीडियो फ्रेंड आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं, आप सभी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो अगले आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल अभी अपडेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आप लोग का जो इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है सेट टू का। फ्रेंड, प्लीज फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। चलते हैं फ्रेंड, मूव करते हैं आपके पेपर के लिए। जो आपका पेपर आ चुका हो चुका था फ्रेंड, आप देख सकते हैं या हमारे पास सेट टू है। आप लोग पास बताइए फ्रेंड आपका सेट कौन सा है और आप किस सेट का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं सीरीज ये हमारी है HMJ/1, इसकी सीरीज है। आज हम डिस्कस करेंगे आज आपका जो आज इंग्लिश का जो आप लोग का एग्जामिनेशन था सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का जो एग्जामिनेशन था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दिए मैक्सिमम फ्रेंड के पास और हमारे चैनल अभी अपडेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दिए। चलते हैं, मूव करते हैं सेट टू का जो आज एग्जामिनेशन हुआ था। आप देख सकते हैं इंग्लिश कोर का जो एग्जामिनेशन था आपका सेक्शन ए, आप जैसा कि मालूम है सेक्शन थ्री सेक्शन में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। सेक्शन ए में आपके जो थे 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बी में आपके 30 मार्क्स एंड सेक्शन सी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। फिर बात करते हैं आपके जो सेक्शन ए के जो आपके पैसेज थे, पैसेज के आंसर पहले जल्दी से मैच कर लेते हैं कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होंगे जल्दी क्विक हमें। फिर जल्द से अभी तुरंत ही पेपर मिला है तो फिर सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर अभी पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन क्लिक कर दिए। वीडियो फ्रेंड आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। आप फ्रेंड देख सकते हैं सेक्शन ए जो आपका है और इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड आपका सेक्शन ए का जो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1.1। फ्रेंड देखिए, आप अभी तक चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल रहा है तो चैनल अभी अपडेट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए मैक्सिमम स्टूडेंट के पास। मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर वन है फ्रेंड आपका, एनी वन ऑफ द फाइव इसमें आपको करने थे। आपको यहाँ पे ऑल ओवर जो आपके दिए गए थे फ्रेंड, आपके सिक्स क्वेश्चंस दिए गए थे, आपके ऑल ओवर में से फाइव करने थे इसमें से। तो बात करते हैं सिक्स के आंसर्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आपका जो क्या आपका जो द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका, आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया गया जो आपका जो पैसेज था, पैसेज नंबर थ्री में आपका था। आप देख सकते हैं पैसेज थ्री आपका जो था, ये पैसेज जो आपके जो पैसेज के थर्ड लाइन में आप जो थर्ड पैरा था इसमें आपका जो दिया गया द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई चेन्नई ट्रैफिक पुलिस इन सेप्टेम्बर। तो फ्रेंड ये चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं अगले जो सेकंड जो क्वेश्चन था उसकी तरफ। जो सेकंड आपका जो क्वेश्चन था आप इसके बाद जो बी पार्ट था इसका, बी क्वेश्चन था फ्रेंड आपका। फ्रेंड प्लीज़ आपका जो भी अब नया पेपर जो नेक्स्ट पेपर आपका फ्रेंड जो आपका सेकंड का फिजिक्स, आपका साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आपका फिजिक्स का पेपर है और आपका सेवन को केमिस्ट्री का पेपर है, उसी के तहत फ्रेंड आपका हमारे चैनल अभी अपडेट पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। आप लोग चैनल पे अभी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आप सभी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाता रहता है। और फ्रेंड आप जो अगर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो आप सभी का अगला पेपर अकाउंट्स का है 5 मार्च को, तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल के थ्रू मिल रहा है। मूव करते हैं सेकंड आपके जो क्वेश्चन था फ्रेंड, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्रेमिंग अ प्रपोजल टू एयर लिफ्ट अ कैडवेयर ऑर्गन्स इज। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। आपका फ्रेंड देख सकते हैं जो आपका जो ये पैरा जो दिया गया था आपका पैरा फाइव में, जो पैरा फाइव था इसमें इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया, ये द नेशनल ऑर्गन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके लिए। फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिए मैक्सिमम फ्रेंड के पास, ये चैनल आप सभी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाता रहता है। आप सभी को कोई भी डाउट होता है आप हमें जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। मूव करते हैं आपके फर्दर जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी तरफ। आपका जो सी पार्ट था फ्रेंड वो था द ओनरस टास्क दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इन अ
पैरा वन इज़। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ये है आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, टू कैरी द हार्वेस्ट ऑर्गेन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। फ्रेंड इसका फ्रेंड आप देख सकते हैं फर्स्ट पैरा में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप जो फर्स्ट जिस पैसेज का फर्स्ट पैरा था इसका आपका जो करेक्ट है फ्रेंड आपका देख सकते हैं इसमें आपका शॉर्टेस्ट आपका जो ये था आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट पैरा में इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड ये आपका दिया गया था। फ्रेंड मूव करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा दिस इज डन इन द ऑर्डर टू प्रिजर्व द हार्वेस्ट ऑर्गेन एंड फ्रेंड यहाँ पे इस इन्वॉल्व द पुलिस टू बी स्पेशली द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। मूव करते हैं फ्रेंड आपके अगले जो आपका जो अगला जो पार्ट था फ्रेंड उसमें देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरफ, जो नेक्स्ट आपका था उसमें आप डिस्कस करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपके जो डी पार्ट था उसका जो आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं आपका फ्रेंड डी का फ्रेंड देख लेते हैं फ्रेंड आपने क्या लगाया इसको बताइएगा। इसका मैं आपको बता दूँ फ्रेंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। तो फ्रेंड इट इज़ अ वेरी रिस्की, इट इज़ अ वेरी पेनफुल, इट मे बी अ कॉज डेथ ऑफ अ रिसिपेंट्स एंड द कॉस्ट इज़ अ प्रोहिबिटिव। तो फ्रेंड आपका थर्ड सेकेंड ऑप्शन इट इज़ अ वेरी पेनफुल फ्रेंड ये तो हो नहीं सकता तो फ्रेंड इसको तो आप छोड़ ही दिए। फ्रेंड आप बताइए आपने इसका क्या करेक्ट आंसर लगाया, मैं आपको आपके आंसर्स में आपको जल्द से जल्द बताना कोशिश करूँगा। फ्रेंड आप बताइए आपने क्या लगाया। मूव करते हैं आपके ई की तरफ, ई पार्ट जो आपका है वो आप जो क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट केसेस टू बिग हॉस्पिटल बिकॉज। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर वन इसका राइट है, दे डोंट हैव वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स इसका राइट आंसर। फ्रेंड मूव कर जो इसका जो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं आपके जो पैसेज जो सिक्स था इसमें आपके इस पैसेज का जो सिक्स जो पैरा दिया गया था उसी में आपका दिया गया। फ्रेंड आपका देख सकते हैं आपके जो मोस्ट स्टेट्स डू नॉट हैव इनफ वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट रिट्रीव। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया। तो फिर मूव करते हैं अगले और आपके इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो आपका लास्ट पार्ट था उसके करेक्ट आंसर्स को देख लेते हैं। जो आपका फ्रेंड एफ जो पार्ट था वो था फ्रेंड आपका हार्ट रिट्रीव फ्रॉम अ बॉडी इज अ लीव ओनली फॉर ब्लैंक आर। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड आपका फोर इसका फ्रेंड इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं फ्रेंड आपका फोर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं फ्रेंड ये आपका कहाँ लिखा गया था इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं स्क्रॉल कीजिए फिर आपने पैरे को तो आप देख सकते हैं आपका जो ये दिया गया था फ्रेंड इसका करेक्ट जो आपका सेकंड पैरा में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड जो पैरा आपका दिया गया था इसमें आप इस पैसेज के जो सेकंड पैरा दिया गया था फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है कि फ्रेंड ये आपका ट्रांसप्लांट विद इन अ फोर आवर्स और लंग्स विच इज़ प्रिजर्व्ड ओनली फॉर अ सिक्स आर ओनली दे आर हार्वेस्टेड। तो फ्रेंड आपका जो इसका लंग्स का आपको पूछा गया तो फ्रेंड फोर आर्स का फ्रेंड हार्ट जो पूछा गया था इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका फोर आर्स होगा। फ्रेंड यहाँ पे ये मेंशन किया गया फोर आर्स आपका होगा। मूव करते हैं आगे और नेक्स्ट आपका देख लेते हैं जो आप देख सकते हैं फ्रेंड उसके बाद जो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके जो कुछ भी थे आप देख सकते हैं वन वर्ड के आंसर्स थे और उम्मीद करते हैं फ्रेंड वो सारे आंसर्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे। व्हाट इज़ ग्रीन कॉरिडोर। तो फ्रेंड ग्रीन कॉरिडोर पे आप देख सकते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन था जो आपका जो सेकंड पैसेज जो था इसी पैसेज का जो सेकंड पैरा था उसी में आपका आंसर लिखा आप देख सकते हैं क्या आंसर था द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स बाय रोड इज रेफर्ड टू एज अ ग्रीन कॉरिडोर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर फ्रेंड उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये सारे आंसर्स आपको समझ में आए। फ्रेंड इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज हमारे चैनल पर आप सभी के लिए मिलती रहेंगी। फ्रेंड प्लीज़ फ्रेंड अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल अभी अपडेट को सब्सक्राइब इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि आप सभी के लिए अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हों तो फ्रेंड हमारे चैनल पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। आप लोगों का फिजिक्स का पेपर फ्रेंड 2 मार्च को है एंड 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पढ़ें कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके वो सारी चीज़ हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। और साथ साथ अगर बात करें कॉमर्स स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो तो फ्रेंड आप चैनल को तब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए जो आप लोग का अगला पेपर अकाउंट्स का है 5 मार्च को उसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला है। फ्रेंड चलते हैं मूव करते हैं और जो फर्दर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए तो उनके आंसर्स की तरफ। 5 मार्च को फ्रेंड अकाउंट्स का पेपर तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी के लिए हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर दिया आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो मूव करते हैं फ्रेंड आगे।
फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप वन वर्ड्स के आंसर से आप लोग लिख लिए होंगे। और फर्दर मूव करते हैं आपके जो 1.3 मीन्स आपका जो थर्ड जो दिया गया था इसमें जो पार्ट फ्रेंड उसमें आपको पैसेज से सेम मीनिंग्स आपको निकालने थे। तो इसका जो सेव जो लिखा है सेव जो फर्स्ट वर्ड आपको जो पूछा गया था सेव पैरा वन तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप देख सकते हैं इसका आपका प्रिजर्व होगा। फर्स्ट पैसेज पे चलते हैं फ्रेंड आपका जो इस पैसेज के जो फर्स्ट पैसेज जो आपका दिया गया था इसका प्रिजर्व इसका राइट आंसर होगा। प्रिजर्व दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हार्वेस्ट ऑर्गन तो फ्रेंड इसका प्रिजर्व इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से फ्रेंड हर एक जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे आप सभी के लिए वीडियोस आती रहेंगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट्स को आपके सॉल्व भी किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मूव करते हैं और भी आपके जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था बी पार्ट उसमें था आपका अचीव्ड और कैरीड आउट का पैरा थर्ड से तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड आपका जो आपका जो पैरा थर्ड में देख लेते हैं पैरा थर्ड में दिया गया फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो होगा अचीव्ड का वो होगा फ्रेंड आपका अकॉम्प्लिश्ड PLISHED इसका राइट होगा अकॉम्प्लिश्ड इसका राइट होगा। फिर देख लेते हैं पैरे में कहाँ दिया गया था तो फिर आप चलते हैं मूव करते हैं थर्ड पैरे पे। थर्ड पैरा जो आपका था उसमें आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया। फिर इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी। फिर ये देख सकते हैं फिर आपका दिया गया 2008 व्हेन दे अकॉम्प्लिश्ड इसका राइट आंसर है। फिर इसी तरीके से हम लोग फ्रेंड जो पेपर वन था पैसेज वन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है आपका। जो फ्रेंड इसके बाद मूव करें सेकंड पैसेज की तरफ जो सेकंड पैसेज जो आपका पूछा गया था उसमें देखें फ्रेंड आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज था और फ्रेंड ये उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा और इसमें समरी आपको बनानी थी। फ्रेंड आप लोगों ने समरी इसका सही से बना लिया होगा। फ्रेंड आपका जो जो समरी बनानी थी फ्रेंड आपको ये 4 मार्क्स के थे। आपका जो बी पार्ट था जो ए पार्ट था फ्रेंड इसमें आपको अभी आपको तैयार करने थे आपको उन्हें अच्छे से तैयार करके अच्छे फॉर्मेट में आपने पैसेज को लिख लिया होगा एब्रीवेशंस के साथ आप लोगों ने सब टाइटल सब कुछ अच्छे से लगाया होगा। 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको जो पेपर वन का जो पैसेज थे जो सेक्शन ए के हमने उसको डिस्कस किया और सेक्शन बी में आपके जो पैसेज लिखने थे समरी में और आपके जो दूसरे में नोट आपको बनाने थे फ्रेंड आपके मैक्सिमम मिनिमम ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फ्रेंड हाँ और आपको बात करें जो पैसेज जो था आप लोगों ने वर्ड लिमिट उम्मीद करते हैं 80 वर्ड्स के अंदर लिखा हो तो आपका अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। और मूव करते हैं फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड फॉर्मेट कभी मिस मत कीजिएगा फॉर्मेट बना के आपने लिखा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। सेक्शन बी में बात करें तो सेक्शन बी में फ्रेंड आपके 50 वर्ड्स के आपके लिखने हुए थे आपको और उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप सभी ने लिख लिए होंगे आपके जो भी कुछ था अच्छे पेपर गया होगा उम्मीद करते हैं। और जो भी अगला पेपर होगा और जो भी आपके डाउट होंगे किसी भी डाउट्स के और आप चाहते हो किसी और भी पेपर का सॉल्यूशन तो चैनल पे आप जस्ट कमेंट करिए आपको दूसरे पेपर का भी सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अभी अपडेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है जो आपसे की एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट होने वाला है फ्रेंड और साथ साथ इस वीडियो को मैक्सिमम जन को शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगा आपके बहुत इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए जो भी आपके डाउट्स होंगे डाउट्स को फुलफिल और सॉल्व करने के लिए चलते हैं। फिर लास्ट में फिर से कहता हूँ फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इस वीडियो को मैक्सिमम जन को शेयर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।